हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इस समय इग्नू के एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है, उसके सामने दो बड़ी कन्फ्यूज़न है। एक कन्फ्यूज़न है एमबीए ओएल को लेकर और एक एमबीए डिस्टेंस को लेकर। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो इग्नू है वो 2022 से एमबीए प्रोग्राम दो मोड में प्रोवाइड कर रहा है। दो मोड का मतलब है यहाँ एक ऑनलाइन मोड और एक डिस्टेंस मोड। डिस्टेंस मोड पहले से था और 2022 में इग्नू ने एमबीए का ऑनलाइन वर्जन लॉन्च किया है। तो अब किसी भी स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि एक एमबीए ओएल क्या है और एमबीए क्या है। एमबीए ओएल का मतलब है एमबीए ऑनलाइन और एमबीए सिंपल जो डिस्टेंस मोड है वो। अब एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो डिस्टेंस मोड वाला एमबीए है उसमें एडमिशन जो है एक एंट्रेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, जिसका नाम इग्नू ओपन मैट है। ठीक है, इग्नू ओपन मैट का एग्ज़ाम जो स्टूडेंट क्लियर करता है उसको एमबीए के डिस्टेंस मोड वाले वर्जन में एडमिशन मिलता है। लेकिन इग्नू ने जो इसका एमबीए का प्रोग्राम है उसको बहुत ही रेवोल्यूशनाइज कर दिया और अपना एक ऑनलाइन वर्जन लॉन्च किया। इसमें क्या है, स्टूडेंट को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली उनको एक सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करना है। उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते ही वो एमबीए ऑनलाइन मोड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। तो अभी इस टाइम स्टूडेंट के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनको पता नहीं चल पा रहा है। एक्चुअली इग्नू ने बहुत कुछ बताया भी नहीं है अभी इस प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम इग्नू ने जनवरी में, जनवरी 2022 में अनाउंसमेंट किया था, यानी इसको लॉन्च किया था ऑफिशियली। और जो इसमें इनरोलमेंट है, स्टूडेंट का एडमिशन है, वो इस जुलाई सेशन से स्टार्ट हुआ है। तो स्टूडेंट के सामने बहुत ज़्यादा समस्या इस चीज़ को आ रही है कि इसका एग्ज़ाम कैसा होगा, मतलब कि किस टाइप का ये एग्ज़ाम होगा ये एमबीए ओएल का। इससे पहले स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि ये जो एमबीए है ऑनलाइन मोड में है तो इसका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन में होगा, घर बैठे एग्ज़ाम देंगे नॉर्मली जो पैंडेमिक में हो रहा था। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि इग्नू के जो भी ऑनलाइन प्रोग्राम हैं क्या उनके एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, घर बैठ कर देंगे स्टूडेंट? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखना बस सब, कि जो एमबीए का आपका ऑनलाइन मोड में जो आपने एडमिशन लिया है एमबीए ऑनलाइन में, इसका एग्ज़ाम आपको घर पर नहीं देना है। इग्नू ने ऐसा कोई भी मतलब रूल नहीं निकाला है, ना ही कोई ऐसा प्रोविज़न बनाया है और ना ही कोई अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, इग्नू ने जितने भी ऑनलाइन प्रोग्राम हैं उनके एग्ज़ाम के लिए ये बताया है कि या तो स्टूडेंट को ऑप्ट करना पड़ेगा जो डिस्टेंस मोड के लिए एग्ज़ाम होता है, मतलब कि क्या कहते हैं कि फॉर्म फिल करना पड़ता है और इग्नू के मतलब जो सेंटर्स हैं ठीक है वहाँ पे उनको रिटर्न में एग्ज़ाम दे सकते हैं वो, जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मेथड है इग्नू का एग्ज़ाम लेने का वो। इसके अलावा जो स्टूडेंट वो चूज़ नहीं करना चाहता, उसके लिए एक दूसरा मेथड है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी दे सकता है वो। ठीक है, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे लेंगे, क्या मतलब स्टूडेंट को टाइप करके लिखना होगा या मतलब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन पेपर होगा। अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं बताया इग्नू ने। इग्नू ने सिर्फ ये बताया कि जो भी ऑनलाइन प्रोग्राम है इग्नू का उसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो एक ट्रेडिशनल मेथड होगा। दो ऑप्शन होंगे स्टूडेंट के पास, एक ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा मेथड क्या होगा कि जो इग्नू के कुछ मतलब सेंटर्स होंगे ठीक है वहाँ पे मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने होंगे स्टूडेंट्स को, पर घर से एग्ज़ाम नहीं दे सकते स्टूडेंट ऑनलाइन प्रोग्राम में भी। उनको इग्नू के कुछ मतलब निर्धारित सेंटर्स पे जाकर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। लेकिन मैं फिर क्लियर करना चाहता हूँ, इग्नू ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं बताया है कि जो ये एग्ज़ाम होगा वो मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वाला वो किस तरीके से होगा, क्या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या फिर स्टूडेंट को अपने आंसर सब्जेक्टिव आंसर टाइप करके लिखने होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने मतलब एमबीए के ऑनलाइन वर्जन में एडमिशन लिया है उनके अकाउंट में ये दिखा रहा है कि उनका एक रीजनल सेंटर है, उनका एक स्टडी सेंटर है, तो वो इस कन्फ्यूज़न में है कि जब हमारा प्रोग्राम ऑनलाइन है तो हमें स्टडी सेंटर क्यों अलॉट किया गया है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि सिंपली मतलब इग्नू ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को आसान बनाने के लिए आपको स्टडी सेंटर अलॉट किया है,
और रीजनल सेंटर तो आप मतलब जो भी एकेडमिक का मतलब कागजी कार्रवाई किया आपके रीजनल सेंटर से, जैसे आई कार्ड हो गया या फिर मतलब एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया या कोई मतलब सब्जेक्ट चेंज करवाना हो गया, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपके रीजनल सेंटर से होते हैं। तो रीजनल सेंटर यानी एक आपका जैसे स्कूल में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है ना, वैसा ही रीजनल सेंटर समझ लीजिए इग्नू का, ठीक है। तो वो तो होना ही होगा आपके पास, ठीक है। दूसरा जो आपको अलॉट किया गया है एक स्टडी सेंटर, वो भी इग्नू ने अपने मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को आसान बनाने के लिए किया गया है, ठीक है, इग्नू द्वारा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस चीज़ को लेकर कि आपको फिजिकली किसी मतलब स्टडी सेंटर पर विजिट करना पड़ेगा, नहीं। ऑनलाइन प्रोग्राम फुल्ली ऑनलाइन है, इग्नू का एक इंटरेक्टिव वेब बेस्ड मतलब प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्री लोडेड वीडियो और मतलब असाइनमेंट्स और मतलब जो भी इसका स्टडी मटेरियल है वो मिलेगा, और वहीं से प्री लोडेड मतलब वीडियोस को देखकर आपको अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, या फिर उस पर कुछ इंटरेक्टिव मतलब सेशन भी होंगे ऑनलाइन, वो भी होंगे। और इसके ऊपर भी मैंने एक कंप्लीट मतलब वीडियो बनाया है कि कैसे उसको एक्सेस करें, तो आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हो, ठीक है, कि कैसे ऑनलाइन जो MBA आपका प्रोग्राम है इसके कोर्स को, इसका जो वीडियो लेक्चर है वो कैसे एक्सेस करें, जो लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है इग्नू का उसको कैसे एक्सेस करें, मैंने अच्छे से बताया। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। देखिए मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट्स को मैं कवर कर सकूँ, फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपके जैसे ही, वो भी मतलब उसमें जुड़े हुए हैं और अपने बहुत सारे क्वेश्चन पुट करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, और मतलब जब मुझे समय मिलता है तो मैं वहाँ पर उनके मतलब क्वेरीज को सॉल्व भी करता हूँ। तो ये मौका आपको भी मिल सकता है। सिंपली आपको क्या करना है कि टेलीग्राम पर जाना है, सर्च करना है इग्नू बाबा जी, जो सबसे टॉप पे ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर बहुत एक बड़ा डिफरेंस आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो मैंने अभी वेबसाइट ओपन किया है आप देख सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑनलाइन, ये मतलब इसका लिंक देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं एडमिशन के लिए, कि मतलब वो जब रजिस्टर कर रहे हैं और एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर उनको ऑनलाइन MBA का मतलब लिस्ट नहीं दिख रहा है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि वो गलत लिंक को खोल रहे हैं, गलत लिंक को ओपन कर रहे हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ही ऑनलाइन कोर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो भी प्रोवाइड करूंगा, और जो ऑफलाइन है उसका तो मतलब कोई ऐसा लिंक नहीं है, मैंने बताया कि उसका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है और फिर मेरिट जो बेस्ड है उस पर एडमिशन होता है स्टूडेंट का, तो वो उसका अलग प्रोसीजर है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। पर मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ कि जो मैंने अभी वेबसाइट ओपन किया है, ये इग्नू के MBA प्रोग्राम का ऑनलाइन वेबसाइट ओपन किया है मैंने, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एलिजिबिलिटी एंड मीडियम लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी पढ़ के बताता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है। पास्ट बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि एक सिंपल आपसे मतलब इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे मांगा है, वो क्या है, बैचलर डिग्री। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर दोगे बैचलर डिग्री का विथ 50% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हो इग्नू के MBA ऑनलाइन प्रोग्राम में इनरोल करने के लिए। और जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से हैं लाइक ST SC या EWS OBC, इनके लिए तो 45% है, जनरल के लिए 50% है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, ये ऑफिशियल वेबसाइट है देखिए, ठीक है, इग्नू ऑनलाइन MBA का, ठीक है। इसके अलावा जो ये अब मैंने वेबसाइट आपको ये अभी दिखाया, चेंज किया है, ये इग्नू का जो डिस्टेंस मोड का MBA है उसका वेबसाइट है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू MBA प्रोग्राम वुड बी एज पर AICTE नॉर्म्स, ठीक है, जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, मतलब ये एक गवर्नमेंट की बॉडी है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया के जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं लाइक MBA या फिर इंजीनियरिंग डिग्री हो गई या फिर दूसरे मेडिकल डिग्रीज हो गई जो प्रोफेशनल है, उनको क्या करती है, गवर्न करती है, उसके लिए गाइडलाइंस बनाती है। तो इग्नू का जो ये MBA प्रोग्राम है ये AICTE अप्रूव्ड है। तो कोई अगर आपको बाहर ये बोलता है कि ये फेक है, इसको कुछ मान्यता नहीं है, मतलब ज़्यादा लोग कंसिडर नहीं करेंगे उसको, उसकी बातों को आपको सुनना नहीं है, ये बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट ऑथेंटिक डिग्री है, ठीक है, जो कि AICTE द्वारा अप्रूव्ड है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा अप्रूव्ड है। जो आप मतलब किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मतलब करते हो जहाँ पर आप लैक्स में पे करते हो,
या फिर किसी दूसरे बड़े गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूट से करते हो, वो डिग्री भी मतलब ये ग्रेजुएट विथ 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, 45% फॉर रिजर्व कैटेगरी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। ये दोनों एक ही चीज़ क्लियरेंस ऑफ ओपन मैट एंट्रेंस टेस्ट ऑफ इग्नू कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, नो एज बार। थर्ड पॉइंट ध्यान देने वाली चीज़ है, यानी एमबीए का जो इग्नू का डिस्टेंस वर्जन है, ओडीएल वर्जन है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, इसमें विदाउट एंट्रेंस टेस्ट आप एडमिशन नहीं ले सकते इग्नू के एमबीए डिस्टेंस मोड में। क्लियर हो गया? बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर क्या इग्नू का कोई मतलब एमबीए में एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम होता है? हमने मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ने तो बिना एग्ज़ाम के एडमिशन ले लिया। अरे भाई, उन्होंने जो एडमिशन लिया है वो डिफरेंट मोड है, ठीक है। जो इग्नू का एमबीए का डिस्टेंस मोड है, इसकी मतलब वैल्यू लोगों के अंदर ज़्यादा है, वैसे मतलब डिग्री पे तो सेम ही है, ठीक है, क्योंकि ये एक एंट्रेंस टेस्ट से होता है और ये वाला जो है ये विदाउट एंट्रेंस टेस्ट है। सिंपल, आपको मतलब एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी डिग्री अपलोड करनी है या मार्कशीट अपलोड करना है, एडमिशन मिल गया। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। और ये काफ़ी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही मतलब कम लेवल का होता है, एक अच्छे लेवल का टेस्ट होता है जो कि एनटीए कंडक्ट करवाता है, ठीक है। आज देश में जितने भी बड़े एग्जाम्स हैं सभी एनटीए कंडक्ट करवाता है, आपको पता ही होगा। तो ये इग्नू का ओपन मैट भी एनटीए ही कंडक्ट करवाता है। तो आई होप कि मैंने बहुत सारे पॉइंट इसमें क्लियर किए हैं आपके और कवर भी किए हैं। फिर दोबारा बता रहा हूँ, कुछ भी पॉइंट छूट जाता है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इग्नू से रिलेटेड जितनी भी जानकारी मिलेगी हमारे चैनल पे ऑथेंटिक मिलेगी, कोई भी डुप्लीकेट कंटेंट और सेंसेशनल टैग के साथ कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अपने मतलब ऑथेंटिसिटी के लिए। थैंक यू दोस्तों।